माँ बहुत इमोशनल हो जाती हैं, वो पैकिंग कर रही हैं। पापा के बदले की आग में अंधे हो गए। उस जहर को निकालने के लिए आप ही मदद कर सकती हैं। नित्यम उनका स्ट्रॉन्ग बेटा है, वो हर परिस्थिति से लड़ना जानता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ नित्यम के साथ, आप रक्षम भैया का साथ दीजिए। Hi. Welcome to our channel. Thank you. काफी इमोशनल सीन है यू नो, रियल लाइफ में जो देखने मिल रहा है। काफ़ी इमोशनल सीन है, यस, मेरे और माँ के बीच में है। माँ बहुत इमोशनल हो जाती हैं, वो पैकिंग कर रही हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें भी घर छोड़कर जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें समझाती हूँ कि नहीं, ये सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी फैसला तो आपका ही है, लेकिन मुझे लगता है आपको यहाँ रहकर जो रक्षम भैया के आँखों पर जो पट्टी चढ़ी है और जो वो थोड़ी से और जो वो थोड़े से अपने पापा के बदले की आग में अंधे हो गए, उस जहर को निकालने के लिए आप ही मदद कर सकती हैं। तो मैं उन्हें बोलती हूँ आप यहाँ रहिए, उनका साथ दीजिए और धीरे धीरे उनको उनको रियलिटी में लाइए कि ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत प्यार करते हैं उनसे। महादेव की कसम सावी, जानती थी ये एक ना एक दिन होना ही था। हमारे किए की सजा एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, मैं जानती थी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं आया कि हमारे किए की सजा मेरे बेटे को मिलेगी। जो कुछ भी मेरी वजह से, मैंने बिट्टू को कहा साइन कर दे, इस्तीफा दे दे कंपनी से, सब कुछ मेरे कहने पे उसने किया। सावी मैं कैसी माँ हूं देखना, मेरी वजह से कैसे नजर मिलाऊं मैं अपने बेटों से, क्या बोलूंगी मैं उसे कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। गुनेगार बनकर रह गए सब, गुनेगार बनकर रह गए, और एक माँ की वजह से, एक माँ की वजह से अपने बेटे की बर्बादी की वजह यही माँ है। आपने वही किया जो आपको उस वक्त सही लगा, अपने आप को ऐसे दोष मत दीजिए। मुझे बेटों के साथ जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगी अपने बेटों के साथ। मैं अपनी मम्मा को समझा रही हूँ कि ऐसा होना नहीं।
उन्हें पता है कि नित्यम को जरूरत पड़ने वाली है। नित्यम उनका स्ट्रॉन्ग बेटा है, वो हर परिस्थिति से लड़ना जानता है। तो नित्यम और नित्यम के पास सावी है और वो हमेशा रहेगी। तो सावी यही बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ नित्यम के साथ, आप रक्षम भैया का साथ दीजिए। तो इसके अलावा सावी उन्होंने काफी कोशिश की थी लेकिन मामला और ज्यादा चीज़ों को संभालने की कोशिश की है कि एक बेटे के पास मैं रहूं और एक के पास माँ रहे, तो किसी ना किसी तरह जल्दी से जल्दी हम एक हो ही जाएं। ये ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए भी एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।